that regard very happily. Why is Dashanand in that regard? I said very happy that regard. Because Ravan ke 10 sir kyun the? Wo bahut bada gyani tha. Use 4 ved aur 6 shastra kanthas the. Itna bada gyani, isliye uske 10 sir the. And that has been put up in that regard. Ye bahut zaruri hai ki jab aap apne potentials ko use karte hain, jab cheezon ko nikharte hain, things will work in a bigger and better manner for you. I hope it's so far so clear. Then that. Another 15-20 minutes, I hope you have like that. Yes. We'll conclude in fast in that regard. 20 minutes will find. When we go for that motivation things, when we go for the aspect things up in that way, then automatically you need to be self-motivated. And a hell lot of things. That ma'am was taking an example of Einstein. Whenever the word IQ comes, aapko Einstein aata hai. Sab chahte hai mera bachcha Einstein bane. लेकिन अगर आइंस्टाइन जैसा बच्चा आपके यहाँ तो आपको पता है कितनी मुश्किल होगी. 8 साल तक के वो बोलते नहीं थे, स्कूल से निकाल दिया गया था उनको. He was thrown out of school because he was not able to speak. He was not able to solve in that regard. He was showing a dyslexic sign. He was making reverse writing. Einstein was really problem with that. Take any examples. Take any example of Einstein. You say Ferhate. Take examples of Frederick Engels. The example of Rabindranath Tagore, all these peoples had all emerged slowly and steadily. They have to be self-motivated. Hamari nayi peedhi ko apne kartavya se zyada adhikar pata hai. They know their rights but they don't know duties. Mujhe 10th ho gaya to uske sath mein 10th tuition ke liye bike chahiye. Papa ne iske sath mujhe ye naya t-shirt, naya jeans dena chahiye. But hame study karna chahiye ke nahi? Yes or no? बच्चों को बोलते सर एग्जाम की तैयारी हो गई. यस बिल्कुल. नया पेन, नया बुक, नई पेंसिल, नया शार्पनर, नया हार्ड बुक ले लिया. लेकिन क्या बाकी है? बस पढ़ाई बाकी है. यानी पढ़ाई छोड़ के सारे प्रिपरेशन हो गए. न्यू क्लोज है तुम लगता है. सो अनलेस एंड अनटिल यू वर्कड यू वर्कड ऑन योर पोटेंशियल, थिंग्स विल नॉट गो लाइक दैट. इट हैज टू बी सीरियसली इंबाइब्ड इन यू एंड यू हैव टू फॉलो अप इन दैट रिगार्ड. माई फ्रेंड्स, कलयुग में अगर दिखते हुए भगवान है तो केवल माँ बाप. कलयुग में अगर कोई महादेव है तो गुरु. और कलयुग में जिसे कहते हैं कि दिखता हुआ प्रवाह है कोई तो गंगा है. अभी कहा है कि कलयुग में भगवान जो दिखेंगे केवल आपको माँ बाप के पास दिखेंगे, गुरु के पास दिखेंगे और मोक्ष धाम दिखेगा तो गंगा में दिखेगा. अभी नहीं है. हमारे पास कितने भगवान है? अगर इंडिया में देखा जाए तो 33 कोटी तो देव है. यानी पर कैपिटा, पर इंडिविजुअल 4 देव आते हैं. एक एक 4 आदमी के हिस्से में 1 देव आता है. आता है ना 1 करोड़ 120-130 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है. इतने भगवान है. देयर इज नो डर्थ ऑफ गॉड इन आवर कंट्री. इतने भगवान है, ढूंढ ढूंढ के निकालो. यस और नो? अच्छा, भगवानों में भी हमने कैटेगरी कर दी. ये देवस्थान, ये जागरूक देवस्थान, मैंने बाकी चीजें तो झोपले रहे. ये फास्ट फूड, ये एकदम इंस्टेंट फास्ट फूड. यानी स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट. यानी इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि अपने स्वार्थ के हिसाब से चीजों को बनाता है. बैक अप इन द पुणे यूनिवर्सिटी आफ्टर द मर्डर ऑफ मिस्टर दाभोलकर, देयर वाज मीटिंग फॉर दैट थिंग की श्रद्धा अंधश्रद्धा पे वो कायदा लाने के लिए, दैट्स लाइक दैट. और एक मुद्दे पर वो प्रैक्टिस वेयर नॉट गेटिंग कि अंधश्रद्धा किसको बोला जाए. अंधश्रद्धा मुझे क्या है, वहां से शुरू हो गया. एटीट्यूड में तो वो भी आता फैक्टर्स. तो बोलते हैं करके पूजा करना, टीका लगाना, इससे लगाने से लेके गुड लगता है. लाइक मी टेल यू माय थिंग्स अप इन दैट रिगार्ड. बहुत ज्यादा अब सारे विद्वानों की फैक्टर्स चर्चा हो रही है वहां पे, दैट पुटिंग अप इन दैट रिगार्ड. एंड इट केम टू बी आई वाज लिसनिंग टू ऑल ऑफ देम. और उन्होंने पूरा गूगल से रिसर्च, थीसिस वर्क, ये अमेरिकन क्लॉज ये कहता है, जर्मन क्लॉज ये कहता है, फ्रेंच क्लॉज ये कहता है ना, अंधश्रद्धा के बारे में ये बोलता है. आई सेड इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. श्रद्धा और अंधश्रद्धा में इट्स अ वॉटर टाइट सेपरेशन. जो भी आप स्वार्थ से करते हैं वो अंधश्रद्धा है, और निस्वार्थ और परमार्थ रूप से करते हैं वो श्रद्धा है. निस्वार्थ और परमार्थ रूप से करेंगे वो श्रद्धा है. अपन दगड़ाला शिंदूर लावून तैसा देव करतो, श्रद्धा नसेल शिंदूर मागे दगड़च आहे. आने के पहले मेरे मेरा गो अप इन दैट रिगार्ड. हमारे फादर ठाकुर साहब वाज आल्सो डॉक्टर लाइक दैट. तो आने का जब भी थोड़ी तबीयत नासाज होती है घर पे आने का नजर उतारते हैं, नजर उतारते हैं. हमने भी आने के लिए नजर उतार के आए. अब ये बताइए, इसको श्रद्धा में डालें कि अंधश्रद्धा में? आई बिलीव है ना, हो सकता है आप बोलेंगे सर नजर उतारने लायक आप में क्या है,
लेकिन जैसे हर माँ के लिए उसका बेटा राजा बेटा होता है ना, वैसे है ना राजा बेटा। तो नजर उतारने के बाद तबीयत अच्छी लगती है, पर उसमें स्वार्थ नहीं है, उसमें परमार्थ है, इसलिए वो श्रद्धा है। हम किसी को प्यार से प्रसाद देते हैं, है ना, हम लोग घर पे क्या बनाते हैं भगवान के लिए भी शीरा पूरी भगवान मना बनाते हैं और तुलसी के चार पत्ते डालते हैं, तुलसी के चार पत्ते डालने से वो प्रसाद हो जाता है। भगवान को दिखा दिया तो भोग प्रसाद बन जाता है, खुद खा ले तो प्रसाद नहीं होता, खुद खा ले तो भोजन होता है और भगवान को लगाया तो भोग हो जाता है। श्रद्धा ही है ना, और वो श्रद्धा से खाते हैं तो करते लगता है कि हाँ इसमें सत्व है। लेकिन अगर उसमें स्वार्थ आ जाए तो अंधश्रद्धा है। ये स्वार्थ आ जाए कि मैं भगवान को पूरी खिलाऊंगा तो मेरे पास मैं इस बार टॉपर आ जाऊंगा, मेरिट आ जाऊंगा, आईआईटी की सीट मिल जाएगी, वो अंधश्रद्धा है। भगवान पेपर लिखने नहीं आने वाला है, पेपर आप ही को लिखना है। आपकी अगरबत्ती लगाना ये श्रद्धा है, लेकिन भगवान को ब्लैकमेल करना मुझे पास कर दे वरना, ये अंधश्रद्धा है। भगवान को परचेस करना 11 रुपए 21 रुपए 51 रुपए के पेड़ में, ये अंधश्रद्धा है। भाव रखना ये श्रद्धा है। ये वॉटर टाइट सेपरेशन है करके, आर यू गेटिंग इट? कोई तिलक लगाता है, कोई हाथ में गदा सा पहनता है, ये सब श्रद्धा के भाव है। अंधश्रद्धा वो होती है जो आपको नेगेटिव में आपको अधोगति की ओर ले जाती है, और श्रद्धा आपको प्रगति की ओर ले जाती है। सवाल है कि आपको समझ जाना चाहिए। नेक्स्ट, हम जब मोटिवेशन की बात करते हैं, आपको सेल्फ मोटिवेशन शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम इनसाइड एंड देन ओनली इट कैन मूव इनटू। फटाफट नेक्स्ट कम टू दैट नेक्स्ट नेक्स्ट कम फॉर अ मोटिवेशन डायरेक्शन इंटेंसिटी एंड परसिस्टेंस। तीन चाहिए आपको, दिशा चाहिए, इंटेंसिटी चाहिए, परसिस्टेंस चाहिए। नेक्स्ट मूव फास्ट लाइक दैट। इंटेंसिटी, इट इज कंसर्न विद हाउ हार्ड पर्सन एंड ट्राई, आप कितनी शिद्दत से कोशिश करते हैं वो आपको देखना चाहिए। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, तबीयत से पत्थर उछालो तो यारो आसमान में सुराग होता है। इट विल कम, इट विल फाइंड डेफिनेटली, और उसके लिए आपको यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड कंसर्न विद योर फैक्ट लाइक दैट। कंटिन्यूअसली पत्थर को मारते रहिए, मारते रहिए, मारते रहिए। अगर सर पटकना है तो सर पटकते रहिए, आपके खून के अभिषेक से उसमें जान आ जाएगी, और इतना पटकी कि उसमें से मूर्तियां शिक्षा के छेनी हथौड़े से मूर्ति बन जाएगी। थिंग्स विल कम अप। प्लीज नेक्स्ट 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 डायरेक्शन। अगर आपको सही दिशा और दशा तय नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। सही दिशा में जाना बहुत जरूरी है। यू शुड नो वेयर यू आर गोइंग। नेक्स्ट परसिस्टेंस, यू हैव टू बी वेरी कमिटेड विथ व्हाटएवर यू आर डूइंग। इट्स नॉट इन वन दैट यू कैन गो पीपल लाइक दैट। All great races are won in last few inches. The difference between winners and losers that the winners wait for 2 seconds more than losers. It should be a very consistent and persistent effort, and then only you can outshine others in that regard. Please come fast in that regard. Next, 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 fast. First, we have less time. I hope we have it's 12 o'clock right now. 10 minutes, I'll wind up. That's fine. Up that. I don't know why somehow the AC is not working or cooling in that regard. कुछ लोग पसीने को संभाल रहे हैं, कुछ लोग एसी को देख रहे हैं, कुछ लोग घड़ियों को देख रहे हैं। वैसे याद रखिए, अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, लेकिन वक्त के साथ अपनों का पता चल जाता है। आने वाले ये बात बहुत गहरी है, जब तक समझ में आ जाएगी चीजें अच्छी हो जाएगी, कि अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता पर वक्त के साथ अपनों का पता चल जाता है। तो मेरे अपने और मेरे सपने मुझे जल्दी जल्दी पता चल रहे हैं। आपके सुनने और सहने के पहले आई एम इक्वली आपसे ज्यादा, बिकॉज आई एम वॉज हैविंग फीवर, नाउ हाई विथ फीवर विद द रॉकिंग थिंग्स इन दैट रिगार्ड एंड वेयरिंग ऑल द जोधपुरीज एंड जेतवानीज, सो आई नो दैट हाउ इट्स गुड टू फील हॉट अप इन दैट रिगार्ड। डेफिनेटली आई नो वी विल एंजॉय इट वेरी वेल लाइक दैट। All the technical aspect that need drives and incentives that can go up in that way will lead to the technical part. Directly go to that. Go fast. Go down. We don't have. Yeah. Go down. Power and I'll explain like what happened. Go down. Yes. You can catch your breath up in that regard. Friends, आपके अंदर ये जागृति चाहिए कि power up in that regard. You go. Wait till attitude comes like that. Okay. आपके अंदर ये बात चाहिए कि आप पहले खुद क्या है। अगर आप खुद की इज्जत नहीं करते तो चीज आपकी इज्जत नहीं कर सकती। जीवन में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको पीछे खींचेंगे, जो आपको बुरा बोलेंगे। एक बार महात्मा गांधी से एक अंग्रेज बहुत ज्यादा उसे गालियां दे रहा था, बद्दुआएं दे रहा था, एंड गांधी जी वॉज जस्ट लिसनिंग टू हिम एंड ही सेड इन दैट रिगार्ड,
My dear officer, my dear child, you offered me few gifts. I didn't accept it. I return it to you with thanks. तुमने मुझे कुछ तोहफे दिए लेकिन मैंने उसका स्वीकार नहीं किया, मैं तुम्हें लौटा देता हूँ. मदर टेरेसा जब फॉर मिशनरीज ऑफ चैरिटी, जब वो चैरिटी के लिए दान देने के लिए कलकत्ता की स्ट्रीट पे होती, शी वाज जस्ट अ कॉमन सिस्टर एग्नेस केम फ्रॉम यूगोस्लाविया, कलकत्ता की स्ट्रीट पे होती तो हालात बहुत खराब थे, तो हाथों को यू रखी, शी वाज आस्किंग फॉर मिशनरीज ऑफ चैरिटी एंड यू नो व्हाट पीपल हैव डन. बस जेंटलमैन केम पूरे शराब के पीने, उन्होंने कहा कि तुमको चैरिटी चाहिए, कुछ ना कुछ दे दीजिए, तो उसने उसका हाथ लिया और हाथ पे थूक दिया. He said, "This is what taking you." And she said, "My child, God will bless you." उसके सर पे से हाथ घुमा दिया. My child, God will bless you for what will happen. This is bound to happen. इसको आपको क्या लगता है कि हम प्रभु राम बन जाएंगे बिना वनवास के? नहीं बनेंगे. क्या हम कृष्ण बन जाएंगे बिना महायुद्ध के? नहीं बनेंगे. हमें सबको महान बनने की बहुत इच्छा है, लेकिन उसकी प्रक्रिया से जाने की इच्छा नहीं. आपको समझ में आना चाहिए, अंतर्भूत में होना चाहिए कि आप क्या हैं, और आपकी इजाजत के बगैर कोई भी आपको छोटा नहीं बता सकता, आपकी इजाजत के बगैर कोई भी आपको बुरा नहीं लगा सकता. ये आप उसे अधिकार देंगे, आई एम फीलिंग गुड और बैड. जब तुम्हारा वाटरस नहीं है, यू फील बैड लाइक दैट. ये जैसे भाषा का चेंज है. इफ आई स्पीक इन फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, give up in the legal lab with them sans force liya ni mr silia post on the shulafiana aap bolenge ha kya ye bhasha aapko samajh mein nahi aati hai na, ye aapki bhasha nahi hai, to usi tarah se ab shabd bhi aapko samajh mein aane nahi chahiye kyunki wo aapke liye nahi hai. Lekin agar humko koi bole ki ye badmash hai, humko bura lagta hai, par wo vocabulary aapki nahi hai na, fir bura kyun lagta hai? Har aadmi apni कैपेसिटी, अपनी योग्यता के हिसाब से बोलेगा, वो उतने ही शब्द बोलेगा जितना उसको आता है. हाँ या ना? है ना? बड़ा सुंदर संदर्भ है. मैं जब ग्रंथों को जब धार्मिक करता हूं करके दोबारा भगवत करने करते मुझे बड़ा आनंद मिलता है कि हमारे धर्मों में ग्रंथों में सारे ज्ञान दिए लगे. आई हैव इट वेरी वेल. होली कुरान में इट इज गिवन लाइक दैट, द इंक ऑफ द स्कॉलर इज मोर होली देन द ब्लड ऑफ मार्टियर. द इंक ऑफ द स्कॉलर, जो ज्ञानी विद्वान है उसकी कलम से निकली हुई स्याही वो शहीद के खून से ज्यादा पाप है. इतनी बड़ी बात है, कुरान में ये बात कही कर क्या, लेकिन बहुत 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 सारी प्यारी प्यारी बातें बात की थी. जब प्रभु रामचंद्र जी सीता मैया और लक्ष्मण के साथ जब वनवास पर निकले और जब नदी पार करना रहा, तो वहां पे केवट तो कहते हैं कि भाई मैं तो वनवासी हूं, मुझे नैया पार करा दे. और बड़ा सुंदर प्रसंग है, बड़ा छंद देखिए, बड़ी सुंदर बात है कि ये एटीट्यूड वाली बात है. प्रभु रामचंद्र खुद प्रभु है, साथ में सीता मैया है, साथ में लक्ष्मण है, और वो केवल केवट है. केवट यानी केवल केवट है. तो बड़ा सुंदर हमने छंद पढ़ा है कि जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, कभी कभी प्रभु को भी भक्तों से काम पड़े. है ना? तो जाना था गंगा पार कराना है और प्रभु केवट की नाव चढ़े हैं और कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े. अब छोड़ तो दिया है किनारे पे और प्रभु राम के चेहरे पर हंसी नहीं, स्मित नहीं है, वो बड़ा खुश है. केवट बड़ा खुश है कि मेरे आज नैया में नौका में आए तो बैठे कौन, स्वयं प्रभु बैठे हैं. पर प्रभु की दुविधा क्या है, वो कहते केवट आप प्रभु आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, आप जा रहे हैं, मैं नैया पार कर रहा हूं, तो भी आपके चेहरे पे वो स्मित, वो हास्य नहीं है जो प्रभु पे होना चाहिए, ऐसा क्यों? प्रभु कहते मैं इस विडंबना में हूं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो वनवासी हूं, तुझे मैं क्या दे पाऊं. केवट के चेहरे पर भाव आता है, स्मित आता है, हास्य होता है. वो कहते आप पार तो कर देते हैं. तो जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, कभी कभी प्रभु को भी भक्तों से काम पड़े. किनारे पे होते हैं, केवट कहता है प्रभु चिंता की बात नहीं, मैं तुझे क्या दूं. राम कहते हैं तो केवट कहता है कि आप आए मेरे द्वार, मैंने आपकी नैया पार लगा दी, जब मैं आऊं तोरे द्वार मेरी नैया पार लगा दी. जब मैं आपके द्वार पे आया, जब आप मेरे पास आए तो मैंने नैया पार लगा दी, जब मैं तुम्हारे आऊंगा तो करना ये भी. पर उसके पहले केवट कहता है कि नियम है, नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी, एक जात हो दोनों तो भी कैसे रोगी. यानी नियम है संसार का, नाई से नाई नहीं लेगा, धोबी से धोबी लेता है, डॉक्टर से डॉक्टर फीस नहीं लेता है.
तो फिर रामचंद्र तो कह रहे ये तो मुझे पता है कि ये लेते नहीं है, तो संसार का नियम है, लेकिन तू और मैं समान कैसे हो गए? तब वो कहता है कि मैंने आपकी नैया पार लगा दी, आप मेरी नैया पार लगा देना। ये एटीट्यूड होता है, ये अपने आप को अगर आप सही जानते हैं, सही निर्णय लेते हैं, जिसे अपने आप सही दिशा में बढ़ती है। और आप अगर अपने आप को ही छोटा ऊंचा समझते हैं तो आप जिंदगी भर वही रहेंगे, आप वही हो जो आप सोचते हो। यू आर वॉट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ टू बी, एंड यू कैन अनब्लिश एंड रीब्लिश एंड मूव अप इन दैट रिगार्ड इफ यू वॉन्ट टू मूव अहेड इन रियल मैनर। प्लीज एग्जैक्टली attitude is a persistent tendency to feel and behave in a particular way towards some object. एक बार जो हम करते हैं वो हो सकता है behavior. A repeated behavior को हम attitude कहेंगे. Attitude को समझना बहुत जरूरी है. लोग बोलते हैं क्या attitude है? कई बार लोग adamancy और arrogance को attitude बोलते हैं. Don't get confused between arrogance and adamancy as attitude. Attitude can be positive, can be negative also. A repeated set of behavior, एक ही वातावरण में आपको रेगुलर दिया जाए तो आप जिस तरह से प्रतिक्रिया देंगे उसको आपका एटीट्यूड निर्धारित करता है। एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि व्हाट काइंड ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड यू गो एंड शो एंड शावर विद। अनलेस एंड अंटिल यू हैव पावर थिंग्स दैट कैन रियली मेक एन इंपैक्ट, थिंग्स कैन गो वर्क इन दैट रिगार्ड। 1914 टू 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जर्मनी वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड एंड डिटोरिएटेड। वन मैन हु वाज जस्ट अ कॉमन सोल्जर on the verge of losing his eyes, a man who was supposed to become an artist, a painter or a musician, after 20 years he rebuked Germany to such a level that entire world was threatened by that man and was none other than Adolf Hitler. 20 years, 1938 second world war started, 1918 first world war ended. 20 साल के अंदर उस इंसान ने जर्मनी को ऐसा खड़ा कर दिया कि सारी दुनिया उसके नाम लड़ थी। अभी हम ये बात नहीं करेंगे what he has done. 20 years इन्हें चार पंचवार्षिक योजना, हमारे यहाँ पे 12 हो गई है फिर भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और उसने चार पंचवार्षिक योजना में he was surrounded by threat in that regard. He was having 8 nuclears, not used one. We say him in that regard. When we give the example of America, हम इतने साल से चिल्ला रहे हैं terrorism, terrorism. They said what terrorism? We don't know terrorism. और उनके केवल दो twin tower गिराए गए, पूरा इराक बर्बाद कर दिया. Yes or no? ओसामा को पाकिस्तान से लेके आए. We say American attitude. We put up in that regard. Why it is said that? What's the definition of heaven and hell up in that regard? It is said when it is an when you feel that you are in heaven, if you have an British house, Chinese food, American salary and Indian wife, that is heaven. I repeat, if you have a British house, Chinese food, American salary and Indian wife, that is heaven. And what is hell? If you have British food, Chinese house, Indian salary and American wife, that is hell. So that goes up in that regard also. This shows that the signs of the reflex of the attitude that we are born and born with in that regard. You have to inculcate the all behavior along inside him. There are the various points in the modules. The time span is really very short when you go for motivation, learning and aspects in that regard. You have to imbibe all those qualities. My dear friend, time is really very short. आप जो अभी करेंगे, वरना लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया, वही किस्सा पुराना है। कल आप देख के बोलेंगे कि ये मुझे करना था, मैं कर नहीं पाया, और फिर अपनी फ्रस्ट्रेशंस बच्चों पे निकालेंगे। आज आपके अगर माँ बाप आपके ऊपर मेहनत कर रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू मेक इट डाउन लाइक दैट, डू इट माई फ्रेंड्स। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता कि आप उनके सपनों को साकार करें और अपने सपनों को बढ़ाएं। और याद रखिए, कामयाबी के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद तीन ही चीजें काम करती है, द ग्रेस ऑफ गॉड, ब्लेसिंग्स ऑफ एल्डर्स, लव ऑफ फिंगर्स। हम हमेशा कहते हैं कि यूं ही नहीं मेरे सर पे कामयाबी का साया है, यूं ही नहीं मेरे सिर पे कामयाबी का साया है, दबाए हैं बुजुर्गों के पैर मैंने तब ये फनाया है, दबाए हैं बुजुर्गों के पैर मैंने तब ये फनाया है। आप उनकी बातों को टालिए मत, इट्स गुड, आई अंडरस्टैंड। बचपन में मम्मी बहुत, जो मम्मी बोलती वही से लगता है, आपके एज में जो फ्रेंड्स बोलते वही सही लगता है, उसके आगे के एज में जो वाइफ बोलती वही सही लगता है, उसके क्या आगे के एज में जो भी कोई बोले सब गलत लगता है। Yes or no? It happens up in that regard. Learn. If you want to change the environment, don't complain about the things, compliment the things.
आप वो फूल बन जाइए जो गंदगी में जाके भी महका देते हैं, आपको कोई बहक नहीं सकता। कई बार ये होती है कि हम समस्याएं दूसरों में देखते हैं, समस्या अपने आप में होती है। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और चुपके से उनके कान में बोला, डॉक्टर साहब मैं आपके पास हियरिंग एड मशीन है क्या? क्यों? मेरे को लगता है मेरी पत्नी बहरी है, मेरी पत्नी बहरी है, तो आपके पत्नी को लेके आओ। नहीं नहीं नहीं, मैं डरता हूं उससे बाबा, कैसे ले जाऊंगा? चुपके से उसको गिफ्ट दे रहा है पत्नी। वो कितनी बहरी है? बोले नहीं, मैं उसे बात करता हूं उसको सुनाई नहीं आता। मतलब कितने दूर से सुनाई नहीं आता? एक काम करो, आप उससे मुझे बताइए वो एग्जैक्टली बहरी कितनी है, उसको सुनाई कैसे आता। उसको गेट के बाहर से आवाज दो, फिर मेन दरवाजे पे आवाज दो और पास जाके आवाज दो, वो कब सुनती है बताइए। तो वो जाता है घर पे और बाहर बोलता है, अरे भगवान सुनती हो? बाहर गेट से कोई आवाज नहीं आती। फिर अंदर जाता है, मेन गेट पे जाता है, फिर बोलता है, अरे भगवान सुनती हो? बोलती नहीं। फिर कान के पास जाता है, तीसरी बार बोलता है, अरे भगवान सुनती हो? वो फट से मारती, तीन बार तो चिल्ला चुकी हूं कि क्या है क्या है क्या है। प्रॉब्लम इसमें गहरा ये है, इलाज उसका कराने जा रहा है। हमारे एटीट्यूड के साथ प्रॉब्लम ये है, समस्या आपल्या सोबत आहे पण आपल्याला वाटतं दुसरे मला समजून घेत नाही आहे। आपण किती सहजपणे बोलतो ना, कोणी मला समजूनच घेत नाही, तो पोटेन्शियल आहे पण कोणी समजून घेत नाही। दुनिया इतनी नासमझ है क्या? अच्छा मुझे बताइए, मम्मी अच्छा चाहती है, पापा अच्छा चाहते हैं, बेटा अच्छा चाहते हैं, जब तीनों ही अच्छा चाहते हैं फिर बुरा क्यों होता है? क्योंकि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते, जो चाह रहे हैं वो समझ नहीं पाते। मिसअंडरस्टैंडिंग इज द ओनली थिंग एवरीवन अंडरस्टैंड्स। यस सर। आणि मला कोणी समजण्यापेक्षा आपण लोकांना समजून घेतो का? आर यू गेटिंग इट? आपण अकोमोडेट करतो का? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्ड अकोमोडेशन एंड ऍडजस्टमेंट। कई बार मैं आपको बताता हूं कि एडजस्टमेंट इज अ नेगेटिव वर्ड, इज अ सब्स्टिट्यूट वर्ड, अकोमोडेशन इज अ पॉजिटिव वर्ड। हम लोग अगर कहीं बस में जा रहे हैं तो बोलते हैं पाव फैला के बैठ जाते हैं करके। हमारे यहाँ तो बहुत एटीट्यूड है कि रुमाल फेंका तो जगह अपनी, वेरी दो तीन चीजें देखा, लोगों को लड़ने में और जगह छीनने में मजा आता है। रुमाल फेंक दिया, गिरा माजी ज्यादा अच्छा, और रुमाल किसी की बीवी भी गिरता नहीं। मजे बचपन में हम जादू देखते थे कि रुमाल गिरा चीजें गायब। अच्छा हुआ, मतलब रुमाल टाकल्याने वस्तू आपली होते, ही थेरी इतकी चांगली आहे की मला पण तो रुमाल पाहिजे, कुठेही टाकले की माहिती असते असो। सो because maximum time I have to maximum time either I go by vehicles or fly, and that only very rarely I get, but wherever I get I look at the people there, the way they behave, they work at the mat like that. So door aur hamare yahan window seat ka bahut craze hai, na jaane kya bachpan se ne hamare man mein dala gaya hai, tumhara jo padte to window milat nahi to padte seats nahi, yani kuch bhi ho to window seat chahiye humko। To window ke seat ke liye do log lad rahe the, विंडो सीटें करके एक को जगह मिल गई। एक जो था करके वो फ्रेम हमारे यहाँ पे करके वो बंद कर रहा था, एक फ्रेम बंद कर रहा है, दूसरा खोल रहा है। एक बोलता है उसको बंद कर, दूसरा बोलता है मुझे खुला रखना है, दूसरा बोलता है बंद कर, बराबर है दोनों। प्लीज डोंट माइंड, ये दो का शोला पुरजिस होते खाना मारी लय धारी है ना, लय मारी मारना मारी चलोगे, देखा क्या हो गया क्या हो गया। आई मेंट अरे मैं उसको बोला बंद करने के लिए, वो खुला रख रहा है, मैं बोला बंद करने के लिए खुला रख रहा है, देखा। अरे मेरे भाई साहब वो बंद रखो खुला रखो, फ्रेम ही है उसमें कांच है ही नहीं, कांच ही नहीं था, फ्रेम के लिए झगड़ रहे थे। बताओ इन्हें झगड़ने में ये भूल जाते हैं कि उसमें फ्रेम में कांच ही नहीं है, फक्त तेज चलो चले। आप बताइए, बट ईगो इतना हाई होता है कि हमको एटीट्यूड हम कहां जा रहे समझ भी नहीं आता। पीपल जस्ट फॉलो वाइल्डली, पीपल जस्ट फॉलो वाइल्डली एंड ब्लाइंडली एंड दे डू नॉट अंडरस्टैंड। You need to have a right kind of attitude
When you have a right kind of attitude, automatically things get turned and transcended and positive moves up in that regard. And that's what you find in the entire Shastra also dharma also like that. महाभारत के आप एक एक गीता के एक एक छंद में एक संदर्भ में आप पढ़ लीजिए, आपको मिलेगा कि पूरी की पूरी महाभारत केवल रॉन्ग और राइट एटीट्यूड का ही खेल है। और पूरी की पूरी जब कृष्ण ने अर्जुन को गीता की तो पहला अराइज एंड अवे की कहा और पार्थ कह के गीता गई है, अर्जुन बोल के नहीं की है अराइज एंड अवे, क्योंकि कृष्ण जानता था कि अर्जुन के मन में ये तो भाई मुकुट बिहारी है, ये तो काना है, ये तो नटखट है, ये बांके बिहारी है, ये तो लीलाएं करता है, ये तो मुरलीधर है, ये बांसुरी बजाता है, इसके भरोसे में निकल तो पड़ा हूं पर क्या सही में जीतूंगा। बैक ऑफ माइंड में ही वाज हैविंग कंफ्यूजन, ये तो मेरा रिश्तेदार भी है, ये तो क्या है। और कृष्ण की लीलाएं तो पता है आपको, यस और नो? अब कृष्ण की लय, तो कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, ये विराट रूप देखने के बाद जब पता चला कि ये कोई साधारण ये नहीं है, ये तो पूर्ण अवतार है, ये तो सर्वात्कर्षक है, ये पूर्ण पुरुष है, 64 गुण वाला ये पूर्ण विष्णु अवतार है। और तब जो गीता के सार में मिला है तो उस पूरे सार का अर्थ और सार गर्भित तथ्य यही है कि यू हैव टू अराइज, अपने आप को जागृत करो। आपकी सभी की हालत वो कस्तूरी वाले हिरण की तरह है जिसके पेट में कस्तूरी है और वो जगह जगह घूम रहा है कि मंद मंद खुशबू कहां से आ रही है, खुशबू तो आपके अंदर ही है। और जिस दिन आपको ये ज्ञात हो जाए और मृत्यु का पता चलता है कि कस्तूरी मेरे पेट में ही थी, जिस दिन आपको ये ज्ञात हो गया कि वो कस्तूरी आपके पेट में है, तो चीजें अपने आप आसान हो जाएगी और चीजें साफ हो जाएगी एंड यू विल गो लॉन्ग वे। देयर इज नो वन दैट कैन स्टॉप अस इन दैट रिगार्ड, इट्स अ वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल थिंग। एंड learn to be happy, learn to be blissful, but happiness and enjoyment doesn't mean at the sacrifice and cost of your duty. You have to learn to follow your duty and be very sincere with your studies up in that regard. I'm very happy. I told in the morning only, there are only the three places where I directly visit without any huskers and give a prior appointment. One place, this is among them, with my all relations and better willing things so here like that. Anand one of Baba Amteji and Vishwa Bharati of Ravindra Tagore ji. All actually international is where they are. I keep it a strict protocol to go or not to go in that regard. Because I feel one with that. I'm really happy morning out discussing pedagogy. Yahan pe curriculum, extra curriculums, falling for the development, to make you overall individual, to develop your attitude and to imbibe in your positive quality, that has been given. And that is really, really very nice. To make you complete form and transcendent. I feel those parents are really very lucky jinke bachche yahan par hain. They will really make them pass out as a complete human being, not merely the pass out from 10th and 12th standard like that. Kyunki board mein merit aana aasan hai, par zindagi mein merit aana bahut mushkil hai. And it is easy to achieve success, but difficult to maintain it. I hope institutions like will definitely will make survives and suffice in that regard. Ki ye cheez apne aap mein maintain hoti rahegi karke. Is that fine? Kindly go up that way. हमारे यहाँ पर चीजों को भी ये फैक्टर्स देखिए करके, जिस तरह के हम वर्क में होते हैं हमको फैक्टर्स वैसे दिखता है। अभी वी हैव अ डिस्कशंस गोइंग इन द इंडियन फॉरेन यूनिवर्सिटीज आर कमिंग कि यहाँ पे ड्रेस कोड रखा जाएगा। इंडियन यूनिवर्सिटीज में वी हैव अ डिस्कशन गोइंग इन द एचआरडी की ड्रेस कोड रखा जाएगा एंड फॉरेन यूनिवर्सिटी सेज वी डोंट वांट अ ड्रेस कोड, इट कैन फॉर्म अप इन दैट रिगार्ड। सो इज देयर अ कल्चरल थ्रेट, कि क्या जीन्स पहनने से कल्चर पे थ्रेट आ सकता है, या कॉलेजेस एंड हायर एजुकेशन में ड्रेस सलवार सूट साड़ी कंपलसरी करनी चाहिए, कैसे कल्चर को मिल जाए? एटीट्यूड इज समवेयर इनसाइड लाइक दैट। अगर आप ब्लेजर भी पहन लें, बहुत महंगा भी पहन लें, मनी कैन परचेस द बेड, इट कैन नॉट परचेस स्लीप। मनी कैन परचेस कार, इट कैन नॉट परचेस कंफर्ट। मनी कैन परचेस द क्लोथ, इट कैन नॉट मेक यू कैरी इट। Money can purchase anything, but money can't purchase what is really priceless, that is peace, attitude, and solace within inside you like that. Yes or no? You have to be very move forward and clear up in that regard. I sometimes find our tribal people and village people are very clear, rural people are very clear with their attitude. Oh, we term them uneducated, but unke concepts bahut acche hai, bahut clear hai. वो कब सुबह उठ के जाना है, खाना है, नहाना है। मुझे हमें लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में, जैसे आजकल वो स्वच्छ भारत अभियान है, हम लोग बोल रहे हैं कि घर में शौचालय बनाइए, आगे जाके ऑर्गेनिक फार्मिंग के लोग बोलेंगे कि खेत में जाके कीजिए। आई थिंक दैट विल नाउ द फॉसिल फ्यूल्स एंड एवरीथिंग फिकल मैटर्स वी हैव टू कलेक्ट द नेक्स्ट पॉइंट इट हैज टू गो इन दैट रिगार्ड। आई हैव
attitude also determines the language up in that regard. ऐसा कहते हैं कि हमेशा पापा डांटते रहते हैं, मम्मियां प्यार से समझा देती, मम्मी बोलते हैं आपको बच्चों पे ध्यान ही नहीं है, things has not gone up in that regard. वो पुरुषों का attitude है. वो हमेशा ऐसा कहा जाता है पुरुषों को, अगर उनका पुरुषों का ऐसा होता है कि उनका जब बच्चा रोता है तो उनके दिल में दर्द होता है, और उनकी बीवी जब रोती है तो दिमाग में दर्द होता है. जब खुद का बेटा रोए तो दिल में दर्द होता है, और खुद की बीवी रोती है तो दिमाग में दर्द होता है, और दूसरे का बेटा रोए तो दिमाग में दर्द होता है, और दूसरे की बीवी रोए तो दिल में दर्द होता है. That's also part of attitude. Someone raising the eyebrows saying, sir, by experience, that is universal. We don't have to be experienced about that. For phenomena, we don't have to. I just recently visited the village over there in that regard, and I saw it. Some people have a negative trait up in that regard. Log aastha ke naam par, attitude ke naam par galat-galat factors kar rahe hain, negative cheeze kar rahe hain. How can someone be put in quantum in that regard? जिस ये देश में जहाँ पे कृष्ण और राम की संस्कृति है, वहाँ पे असा राम असुन जो बच्चों को मार रहे हैं, जो विभाचार कर रहे हैं, असा राम असु शकत नहीं ना, राम कसा शक्तो? इस देश की सभ्यता संस्कृति राम की है, असा राम की नहीं है. तो we have to understand up in that regard कि we have to move in clear direction. हम गांव में गए थे, एक व्यक्ति को देखा, एक किसान ने, उसकी भी बहुत अच्छी फसल आई, उसके वाइफ ने ड्रेस पहन के आया वर्कआउट में, और वाइफ को देख के दंग रह गया, हे का साले, हे का नहीं ले तू, हे मैंने स्लीवलेस फैशन है, स्लीवलेस तू बाकी चे अंग काउन स्लीवलेस, हे स्लीवलेस है पर तू बाकी चे काउन स्लीवलेस बना. तो पॉइंट इज दैट फॉर हिम द ड्रेस ऑल्सो मैटर्स, हिज एटीट्यूड सेज ड्रेस शुड बी कंप्लीट, रूलर अप इन दैट रिगार्ड. Here it can be changed. तो हमारा perception, हमारा दृष्टिकोण decide करता है कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हमारा attitude क्या है. It is a more deep inside cult and things have to be moved accordingly in that line. My friends, as per the economy of time, we are moving like that. Please move like that. Last 3 minutes will conclude. I don't know whether I understand all the fans are sitting without the less AC, but things will be more workable in that regard. Components of that regard. At the end of the day, at the end of the day, we have to be very particular about what we think, what we are moving forward, and how we are going to go in that regard. ये आप ही decide करेंगे, ये आप ही निर्णय लेंगे कि आने वाले दिन में, आने वाले ज़िंदगी में आप क्या बनना चाहते हैं. आप जो हैं और यहाँ से जहाँ जाना चाहते हैं, इसका निर्णय आप खुद लेंगे. It will not happen in a day one or two. It's over a period of time. You will have to work day and night. And that has happened with all like that. राहें आएगी, ऊपर नीचे पथरीली चीजें होंगी करके. वाजपेयी जी की कविता कहती है कि हम पड़ाव को लक्ष्य ना समझे, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोहपाश में हम भविष्य को ना भुलाएं, आओ एक नया दीपक जलाएं. जब हम ये वर्तमान के मोहपाश में हम नहीं बनेंगे, तभी हम जाके आगे बढ़ पाएंगे. इसलिए मैं हमेशा जब भी बातों को ध्यान रखता हूं, और जीवन बहुत ही सरल है, इतना उसको कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, उसको इतना उलझाइए मत. ठीक है, जीवन क्या है, चलता फिरता है, खिलौना है, दो आंखों में एक से हंसना एक से रोना है, जो जी चाहे वो मिल जाए कब ऐसा होता है, हर जीवन जीने का समझौता होता है, आती सांस को पाना है और जाती सांस को खोना है. आपका अचीवमेंट क्या है और लॉस, हर आती हुई सांस के साथ जिंदगी आ रही है, हर जाती हुई सांस के साथ जिंदगी जा रही है, इस आते जाते में आप जितना कर लेते हैं वो है. ये आपको जब समझ में आ गया, थिंग्स विल ऑटोमेटिकली डांस इन दैट रिगार्ड. I told last time also in that regard, लोगों ने आपके काम से और आपके नाम से आपको याद रखना चाहिए, ना कि आपके बदनाम से. लोग दोनों को याद रखते हैं. लोगों ने आपके अच्छे काम और नाम से याद रखना चाहिए, ना कि बदनाम से. यही सब चीजें जब इन हार्मनी गोज लाइक दैट, थिंग्स विल मूव प्रोसीड अप इन दैट वे. आई हैव लास्ट 7 मिनट्स, सर, एनीथिंग मोर यू वांट मी टू एड और पुट अप लाइक दैट? कुछ और चाहते कि बोले करके? चलिए, definition of time. Okay, that USP. By dear, by divine, I think I have already told so many of times in that regard. My friends, I have economy of time, don't worry, 7 minutes. When you go up in that regard, at the end of the day, you should really keep a pace with time.
समय को ना गवाएं। दुनिया में कोई भी चीज वापस आ सकती है और आप पैसे से कई चीजें खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं समय। समय को आप कभी नहीं खरीद सकते, इसलिए समय की कीमत होना बहुत जरूरी है। और समय की परिभाषा हम जब भी जाते हैं, जहां भी जाते हैं, हम लोगों का अवगत करते हैं कि जो हमने समय की भाषा बताई है, हमारे ख्याल से हमारे सानिध्य में हमारे साथ पहले जितने भी लोग हैं उनको तो बाय हार्ट हो गया होगा, उनको याद हो गया होगा, उनको मुखपाठ हो गया कि समय कहते हैं। समय की परिभाषा आप याद रखें और जीवन भर आपने उसे गांठ बांध ले कि समय क्या है। समय एक सुंदर कमनीय युवक है। Just imagine, समय एक सुंदर कमनीय युवक है। कमनीय यानी नाइस फिगर, नाइस बॉडी। थैंक यू। समय एक सुंदर कमनीय युवक है जिसका चेहरा लंबे केशों से लंबे बालों से ढका हुआ है। Just imagine, जिसका सामने से जो चेहरा है वो लंबे केशों से लंबे बालों से ढका है और जिसका सिर पीछे से गंजा है। अब इमेजिन कीजिए, सामने वाले पीछे गंजा है, कितनी नई स्टाइल हो जाएगी। समय एक सुंदर कमनीय युवक है जिसका चेहरा लंबे केशों से लंबे बालों से ढका है और जिसका सिर पीछे से गंजा है, जिसके पैरों में पंख लगे हुए हैं और हाथों में छुरी जैसी पहनी चीज है। किसी ने पूछा तुम कौन हो, उसने कहा मैं समय हूं। तुम्हारा चेहरा लंबे केशों से लंबे बालों से क्यों ढका है? क्योंकि मैं किसी को नजर नहीं आता जो चाहे मुझे सामने से पकड़ ले। यू कैनॉट सी द टाइम, अपॉर्चुनिटी नॉक द डोर बट वंस, यू हैव टू कैच द टाइम होल्ड बाय द फ्रंट लाइक दैट। और तुम्हारा सिर पीछे से गंजा क्यों है? क्योंकि मैं एक बार चला जाऊं तो किसी के हाथ नहीं आता, टाइम चला जाए तो किसी के हाथ में नहीं आता। और तुम्हारे पैरों में पंख क्यों लगे हैं? क्योंकि मैं सदैव गतिमान हूं, टाइम इज ऑलवेज मूविंग, टाइम इज ऑलवेज मूविंग। आपने यहां बैठ के सुना क्या, सोया क्या, सहा क्या, 10 के 12 बज गए है ना, और आप गाना गाते रह गए मला जाऊ देना घरी, वाजले 12:30 हो सकता है ना। तुम्हारे पैरों में पंख क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि मैं सदैव गतिमान हूं। और तुम्हारे हाथों में छुरी जैसी पहनी चीज क्यों है? क्योंकि मेरे वार से, मेरी धार से कोई भी बच नहीं सकता। ना समय से आप बच पाएंगे, ना हम बच पाएंगे। धीरे धीरे जिस रूप यौवन जवानी पे हमें घमंड है वो चल जाएगी, चेहरे पे रिंकल्स आएंगे, कभी तो भी रजत केश हमारे काले बालों में से बाहर आएंगे, आप बोलेंगे चल झूठा, उसको निकाल के फेंकेंगे। दूसरे दिन वो अपने बंधु के साथ आएगा, उन दोनों को काटेंगे। तीसरे दिन सब कुटुंब सह परिवार आएगा। पहले आप काले में सफेद बाल ढूंढते थे, फिर सफेद में काले बाल ढूंढेंगे, कुछ तो बाल भी ढूंढेंगे। कुछ के प्लॉट के हिसाब से खाली होंगे, कुछ के एकड़ के हिसाब से खाली होंगे। अपनी तस्वीरें एल्बम में हम नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन जीवन का जो सार है आने और जाने के बीच में का, अगर उसे हमने सार्थक कर दिया तो वही सार गर्भित है। जितने भी धर्म है, जितनी भी किताबें हैं, जितने भी पुस्तिकाएं हैं, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी वेद हैं, उनका सार यही है कि आप जागृत हो जाओ, अराइज अवेक एंड फाइट फॉर योरसेल्फ, अराइज अवेक एंड चेंज द स्टैंसेस, अराइज अवेक एंड लिबरेट, अराइज अवेक एंड रीच टू द ग्लोरियस हाइट यू वांट टू, अराइज अवेक एंड गो फॉर द वे यू वांट टू, अराइज अवेक एंड डिटरमाइन व्हाट यू वांट टू गो फॉर, अराइज अवेक एंड ट्रैवल अ लॉन्ग बैरियर जर्नी फ्रॉम आई डिजायर इट टू आई डिजर्व इट। देयर इज नो वन हु कैन स्टॉप अस इन दैट रिगार्ड। एट द एंड ऑफ द डे इट इज यू ओनली हु हैव टू बी टर्न एंड ट्रांसलेटेड अप इन दैट रिगार्ड। बी हंबल एंड पोलाइट, एंजॉय द एसेंस ऑफ लाइफ, and in no way nobody can stop up in that regard, and I always believe and put up in that regard. To conclude my words by the lines of Dushyant Kumar Tyagi ji, ki ho gayi hai peed parvasi pighalni chahiye, is zami se bhi koi ganga nikalni chahiye, mere seene mein na sahi tere seene mein sahi, ho kahin bhi aag lekin aag jalni chahiye, sirf hangama machana mera maqsad nahi, meri koshish hai ki ye surat badalni chahiye, ho gayi hai peed parvasi pighalni chahiye, is zami se bhi koi ganga nikalni chahiye, is zami se bhi koi ganga nikalni chahiye. I thank you very much the organizers, yeah. I thank you very much the audience for patient listening. Actually, it's two things are the hindrance: the economy of time and again the weather. I would have loved to put up the things for extension up in that regard, and I could see that in spite of sweating you are giving the sweet smile. I could feel like that, all the struggles, the air and putting like that, and it's really very difficult to understand scorching it, but I hope we try to create some cool environment in the hot weather, put it like that. It's a deep technical thing in topic, we like to elaborate more. Only problem happens that the new audience, mixed audience, we have to go for old orientation.
There are the technical side I wish to expect more, and I hope definitely in coming future when I'll come, I'll put it like that. Knowingly, unknowingly, if you didn't like anything, if I hurt like you, I convey my sincere apology. If you can't forgive and forget, please remember me. And above all, really love you very much. I once again thank my dear all Balram sittings over there, in that regard. May Almighty shower all the choices blessing on you. I really thank you all the vibrant students over there, the faculty over here, and all the elite class of the people who showed up who have been there. May Almighty shower the choices blessing on you. May the last pick of success is all over there. See you some other time. Till that time, stay fine. Thank you very much. Bye. Ciao. See you. Thank you. Vande Mataram. Thank you, my splendor, for your beautiful words and your beautiful acts that showered beautiful tips to be beautiful ever. And thank you once again. Now we would move further. I request Honorable Dada to express his views. आज या ठिकाणी आमचे मित्र विक्रमसिंहजी पाचाळे आणि त्यांच्या अनेक भाषांतून सांगितलं, पण मला काही एकच एक दोन भाषा येतात, पण त्याच भाषा येत नाही. त्या सांगितलं असेल तर शिक्षण नाही, पण त्याचे सांगितले की ज्ञान परमेश्वराने ज्ञानाचं माढरा मात्र भरपूर दिलेलं आहे. एक माझं एक स्वप्न आहे की माझ्या सोलापुरातील व्यक्ती, माझ्या सोलापुरातील मुलं हे जगाची स्पर्धा करायला पाहिजे, आणि जगाची स्पर्धा करत असेल तर ज्ञानाचं भांडार त्याचं असणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि ज्ञानाचं भांडार देण्यासाठी ज्ञानी मंडळी सोलापुरात आणणं, त्यांचा प्रचार करणं आणि ते सर्व मुलापर्यंत पोचवणं हे एकच ध्येय माझं आहे. भविष्यात मी विक्रमजींना सांगितलं, तिने मला शब्द दिलेले की त्यांना निरोप द्यायचा नाही, कारण का जोपर्यंत आम्ही आहोत तोपर्यंत त्यांना जसं वेळ मिळेल त्यांनी मला शब्द दिला तसं ते सोलापुरात येतील. आणि त्या त्या वेळेला अनेक गोष्टी आपण अनेक मोठमोठे कार्य करतो. या सोलापुरामध्ये ज्ञान काय आहे, माणसाचा जीवनाचा अर्थ काय, जीवनाचा सार काय आहे, जरी खरोखर जाणत असेल की काय ऐकणं, की ऐकण्यातून जे काय मिळतं ते फार मौल्यवान असतं, आणि काय ऐकायला पाहिजे याचं तारतम्य सुद्धा आपल्याला पाहिजे असतं. पण आज आम्ही ठरलो होतं की फक्त शिक्षण क्षेत्रातलीच मंडळी बोलवावीत, त्यांचा संगत सुसंवाद साधावा, कारण का एकाला दगड मारला की ते हजार लोकांना लागायला पाहिजे, तसे एकाने जे शब्द ऐकले हे ते हजार मुलांपर्यंत जायला पाहिजेत. हा एक आमचा दृष्टिकोन होता. आणि की जागा छोटी होती, भविष्यामध्ये मला सोलापुरामध्ये विक्रमजी आम्ही असं करणार आहे की अनेक सोलापुरातील की तुमचे लेक्चर तुम्ही समजा भारतभर आणि भारताच्या बाहेर सुद्धा देता, की आम्ही एक परमेश्वर एक विनंती होती तुमची आमची मैत्री जमली आणि त्या मैत्रीच्या रूपातून जे आज सोलापूरसाठी कामाला करता येतं त्यामुळे मी तुमचा धन्यवाद मानतोय. आणि एक ज्ञान तुम्ही जे सांगितलं की मी कोण आहे, माणसं मनुष्य आणि मनुष्यत्व, माणसांनी जर सद्विवेकबुद्धीने वागला तर तो परमेश्वर आहे, आणि सद्विवेकबुद्धी सोडली तर तो राक्षस बी आहे. आपण का आलो, एक क्षणभंगुर आपलं आयुष्य आहे आणि या आयुष्यात आपल्या काय साध्य करायचं आहे, पैसा दळण दौलेले साधन आहेत, साध्य नाही आहे. मी काय गणित कामगाराचा मुलगा, पण आज मला परमेश्वराने सर्व काही संपत्ती दिली, पण त्याचबरोबर माझ्या आई वडील आजोबाच्या पुण्याने हे माझं नाही, हे सर्वांसाठी खर्च करायचं हे बुद्धी सुद्धा दिली. आणि त्याचबरोबर परमेश्वराने एवढंच मागतोय की या सोलापूरसाठी मला अनेक गोष्टी करण्याचं मला माझी मानसिकता मिळावी. आणि आज आपण सर्व लोक आलात त्याला घेतलात, मी तुम्हाला विनंती करेन की भविष्यामध्ये जेव्हा जेव्हा आपल्या बाजूला आपण ठेवू की असे ज्ञानी माणसं येणं, त्यांचे विचार सर्व पोचणं. आपण आलात मनापासून आपल्या सर्वांचे धन म्हणून, तुमचे धन म्हणून मी माझे दोन शो संपवतो. आणि आता कार्यक्रम संपला असं तुमच्या विचारांनी जाहीर करतो.
I know the time is fleeting, but all is well that ends well. Thus, I would like to call upon our registrar, Mrs. Supriya Bhairat ma'am, for vote of thanks. And before that, I would like to instruct that we will be having Vande Mataram after vote of thanks. The only feeling is speechless. I think every one of us is trying to recollect the moments, the memories, the examples which he has given. And I request all our students and the audience to express our gratitude by way of before. Your wisdom, your words is an opportunity to grow, a gift to all of us to live our life. He is a kind of mystery. Last time when he had come, I asked him how you can remember all the things, how do you have the knowledge of all the subjects. We have seen many adjectives will be less for him. He is an orator, he is a narrator, he is an actor, he is a magician. All kind of adjectives are suitable to him. So, thank you. These two mere warm words are not sufficient to express our gratitude. Once again, on behalf of Nagesh Karasgi Orchid School and Junior College, I express my sincere gratitude to you all, sir. And I look forward for such experiences many more times in coming years. Thank you, sir. Thank you once again. I thank all the eminent personalities from the field of education who have spared their valuable time for this program. And I think Dada and our secretary, Professor C.B. Nadgoda sir, has given a platform. All the eminent personalities have come together for this good thing and good cause. I thank you all sincerely. I thank our management, our visionary chairman, Kumar Dada Karasgi, and our director, secretary, Professor C.P. Nadgoda, who is the reason for today's program, who has arranged this program, and because of him, we are enjoying a beautiful session by Dr. Maestro Vikramsinghji Pachlore, sir. Thank you, sir. Thank you very much. I also thank all my colleagues, my staff members, for putting up lots of efforts for making this program a big success. Thank you. Have a great day. Thank you very much. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam, Supalam, Madhayaj Sheetalam, Sasya Shyamalam, Mataram, Vande Vande Mataram, Vande Mataram.